गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 60 के बारे में। पेज नंबर है 1.70, टीएस ग्रेवाल की बुक है, 2023 का एडिशन है। बच्चों शुरू करते हैं। अनवर, विश्वास और दिव्या, हमारे पास तीन पार्टनर है बच्चों। नाम लिखते हैं, अनवर है, विश्वास है और दिव्या है। जी ये गीता विश्वास नहीं है, ये विश्वास है ना। देयर कैपिटल्स अकाउंट्स स्टूड एट 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2013। तो बच्चों इसने हमको क्या दे रखी है यहां पर, ओपनिंग कैपिटल इसने हमको यहां पर दे रखी है बच्चों। कितना कितना है, 8 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज और यहां पर है बच्चों इसका 4 लाख रुपीज की इसकी कैपिटल है दिव्या की। आगे बात कह रहा है बच्चों कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो 3:2:1 का है बच्चों। तो 3:2:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों। आगे कह रहा है कि जो पार्टनर्स है उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। ओके, यानी आईओसी की बात भी ये कर रहा है। और कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए बच्चों, 6% की रेट से इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए ऐसा बोल रहा है। वो दे देंगे, क्या दिक्कत है हमें, कौन सा हमारे जेब से ज्यादा पैसा। ओके, इसके बाद कह रहा है कि एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या, दोनों पार्टनर को यानी विश्वास और दिव्या को जो है हम सैलरी पे करेंगे बच्चों। 4000 पर मंथ की सैलरी हम पे करेंगे विश्वास को। तो 4000 पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया, 48000 रुपीस हो गया। तो जो सैलरी है वो हम लोग अनवर को नहीं दे रहे, 4000 पर मंथ दे रहे हैं हम किसको, विश्वास को दे रहे हैं। और जो दिव्या है उसको दे रहे हैं 6000 रुपीस पर क्वार्टर, यानी 3 महीने में एक बार 6000 रुपए देंगे। तो साल भर में कितने देंगे बच्चों, 24000 रुपीस हम उसको पे कर देंगे। क्वार्टर का मतलब ये होता है कि महीने, 3 महीने में एक बार, तो साल में 4 बार ही हुआ फिर तो, ये हम कर चुके हैं कई बार है ना। इसके बाद आगे कह रहा है बच्चों, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड अ मिनिमम 82000। ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। जो गारंटी की बात यहां पर हुई है ना बच्चों, वो गारंटी समझ लो एक बार आप। जो गारंटीड अमाउंट है वो इसका है 82000 रुपीस का। अच्छा, लेकिन ये जो अमाउंट है बच्चों, इसने इसमें कहा कि भाई इसमें जो भी प्रॉफिट में जो शेयर आएगा उसको ऐड कर लीजिएगा और इसमें जो आईओसी आएगा उसको ऐड कर लीजिएगा। इन दो चीजों को ऐड कर अमाउंट अगर 82000 से कम हुआ तो फिर जो भी कमी पेशी होगी वो देखते हैं कौन देंगे। अच्छा, आगे कह रहा है बच्चों कि एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। तो दिव्या बोल रही है कि भाई तेरा जो प्रॉफिट में शेयर आएगा वो आईओसी को मिलाकर फिर भी अगर वो 82000 से कम पड़ता है तो मैं दूंगी उस पैसे को। ठीक है भाई, दिव्या जी देवी बनकर आई है। प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, जो साल भर का प्रॉफिट है वो है 3,12,000 रुपए का बच्चों। तो टोटल जो प्रॉफिट इनको हुआ है ड्यूरिंग द ईयर बच्चों वो हुआ है 3,12,000 रुपीज का बच्चों। आगे कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कह रहा है बच्चों। बना देंगे, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां लिख लेते हैं इसको, बाय नेट प्रॉफिट बच्चों, वो कितना है 3,12,000 का नेट प्रॉफिट है बच्चों, डन। इसके बाद हमें देना क्या है, आईओसी देना है। तो यहां पे आ जाएगा 2 IOC बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या नाम है इनके, नाम में मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं, अनवर, विश्वास, दिव्या, अनवर, विश्वास और दिव्या बच्चों। चलिए तो निकालते हैं इनका जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है, 6% के रेट से आएगा, 8 लाख रुपीज का कितना हो जाएगा, 48000 इसका हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 48000 बच्चों। अब बात करें जो विश्वासी कैपिटल है 6 लाख रुपए का 6%, तो ये हो जाएगा 36000। तो यहां आ जाएगा 36000। इसके बाद हम बात करें यहां पर तो दिव्या की 4 लाख रुपीज कैपिटल है, उसका 6% कितना आएगा, 24000। तो यहां हो गया 24000
थाउजेंड बच्चों, तीनों को हम लोग ऐड करके बाहर शो कर देंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा एक बार ये देख लीजिए, तो 48 प्लस 36 प्लस 24 बच्चों, तो ये हो गया 1,08,000 रुपीज। तो यहां आ जाएगा 1,08,000 रुपीज बच्चों, करेक्ट है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहां पे सैलरी, तो यहां पे सैलरी है, तो सैलरी सैलरी भी यहां पे दो लोगों की है, एक तो विश्वास की है और एक दिव्या की है। तो बच्चों विश्वास की सैलरी कितनी आई थी, 4,000 रुपीज पर मंथ थी, तो इसका कितना हो गया 48,000 हो गया बच्चों, तो यहां पे आ गया 48,000 है ना। और दिव्या की थी 6,000 रुपए हर क्वार्टर के, तो इसका कितना हो गया 24,000 रुपीज की इसकी सैलरी यहां पर हो गई बच्चों, राइट। इसको ऐड करके बाहर हम लोग शो कर देंगे, तो कितना आ जाएगा एक बार देख लेते हैं, 48,000 प्लस 24,000 ये हो गया 72,000 यहां पर, दिस इज अमाउंट 72,000, डन। अब कुछ भी नहीं इसके अलावा, तो अब जो प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा और उसको पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों। तो कितना आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, 3,12,000 में से लेस करेंगे 1,08,000 बच्चों और 72,000, तो ये आएगा 1,32,000 रुपीज का डिविजिबल प्रॉफिट होगा जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तीनों पार्टनर में, अनवर में, विश्वास में और दिव्या में बच्चों। तो चलो इसकी कैलकुलेशन हम लोग एक बार यहां पे कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहां पे कर लेते हैं बच्चों। तो कितना है प्रॉफिट, तो बच्चों तीनों पार्टनर का नाम लिखते हैं, अनवर है, विश्वास है और दिव्या है। विश्वास तो खैर मुझे भी है, विश्वास तो आपको भी है, सबको विश्वास ही विश्वास है। ओके साहब, तो 1,32,000 रुपीज का हमारे पास में डिविजिबल प्रॉफिट यहां पर आ गया बच्चों। तो यहां लिखते हैं 132 एंड 132। अब जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें इसको डिवाइड कर लेते हैं, वो कितना है बच्चों 3:2:1, तो ये कितना हो जाएगा 3/6, 2/6, 1/6 हो जाएगा बच्चों। अब इसके हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पर, तो देखते हैं कैलकुलेशन में क्या आता है बच्चों यहां पर। तो 1,32,000 इनटू करेंगे 3/6 करेंगे बच्चों, तो इसका आएगा टोटल 66,000 हो गया ये, ठीक है। इसका देखते हैं 132 करेंगे इनटू करेंगे 2/6 करेंगे बच्चों, तो इसका आएगा 44,000 बच्चों। और इसका कितना आएगा, मेन तो इसी का ही है क्योंकि गारंटी तो इसी की थी, 26, तो इसका आएगा 22,000 बच्चों। अब बच्चों बात को समझो, जो इसकी गारंटी थी वो कितने रुपए की थी बच्चों, इसकी गारंटी थी 82,000 रुपीज की। अच्छा, इसके बाद बच्चों गारंटी किसके पास थी, गारंटी थी विश्वास के पास बच्चों। 44,000 का इसने यहां से प्रॉफिट अर्न किया, और जो इसका आईओसी है उसको मिलाने के बाद, आइए देखते हैं एक बार, इसने कहा था कि 82,000 रुपीज का इसको गारंटेड अमाउंट था जिसमें प्रॉफिट प्लस आईओसी को जोड़ने के बाद अगर कुछ अमाउंट कम पड़ेगा तो दिव्या दे देगी। तो देखो इसका आईओसी का अमाउंट भी कितना है, एक बार वो चेक कर लेते हैं बच्चों। तो इसका आईओसी आया था 36,000 रुपीज का, तो टोटल इसका अमाउंट कितना हो गया हमारे पास में, अगर आप देखिए यहां पर, तो एक तो अमाउंट ये हो गया प्लस यहां पे करेंगे 36,000, है ना बच्चों। तो 44 में हम ऐड करते हैं प्लस करते हैं 36, तो ये होता हमारे पास 80,000, लेकिन था कितनी गारंटी, 82,000 गारंटी थी, तो 2,000 कम पड़ गया ना बच्चों, तो ये 2,000 रुपए जो है कौन देगी, ये 2,000 बच्चों ये दिव्या यहां पर हमको दे देगी, दैट्स इट, बस इतना सा काम हमको करना है बच्चों यहां पर। तो दिव्या का शेयर कितना रह गया, यहां पे वो 20,000 ही रह गया बच्चों, ये वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा। और इसका टोटल अमाउंट जो कितना हो गया 88,000, सॉरी इसका जो अमाउंट है टोटल वो 82,000 हो जाएगा बच्चों, है ना, ये हो गया 82,000 इसका टोटल अमाउंट हो गया जितनी हमने इसको गारंटी दी थी बच्चों, राइट। ये सारा अमाउंट यहां पर आ जाएगा। चलिए तो पीछे कर लेते हैं, अनवर के बारे में कोई बात थी नहीं, इसके हो गए 20,000, तो दिखा दो इसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां पर, तो यहां हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनवर बासूस एंड दिव्यास कैपिटल, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अनवर्स कैपिटल, है ना, बासूस कैपिटल
और दिव्यास कैपिटल बच्चों। तो अनवर का कितना आया था, एक बार अमाउंट देख लेते हैं। अनवर का अमाउंट आया था 66,000, तो यहां लिख देंगे इसमें 66,000। इन सबको मैं अंदर ही दिखा देता हूं करके 66,000। बासु का तो 82 बनना ही था, वो बन गया, और 20,000 रुपए बने दिव्या के डेफिशिएंसी देने के बाद बच्चों। दैट्स इट, इसको बाहर दिखा देंगे तो आ जाएगा 1,32,000। दैट्स इट, सबको ऐड कर लो, 3,12,000 यहां पर हो गया और 3,12,000 बच्चों यहां पर हो गया। डन बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट जो है एक इलस्ट्रेशन जिसे कह सकते हो, जिसमें हमारे पास सैलरी भी आ गई, आईओसी भी आ गया और गारंटी वाला कॉन्सेप्ट भी बच्चों आ गया, वो हमने इस पूरे एग्जांपल में हर एक चीज को हमने यहाँ पे चेक किया है बच्चों। सो आई बिलीव बच्चों कि आपको समझ में आया आज का एग्जांपल। मिलते हैं कल के एग्जांपल के साथ, एग्जांपल नंबर 61 हम लोग करेंगे कल की क्लास में बच्चों। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और बच्चों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।